हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी सब वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं। आज की न्यूज़ खबर है दोस्तों, संडे 20 फरवरी 2022 की ये खबर है कि 69,000 जो शिक्षक थे उनके ऊपर आदेश आया है कोर्ट का। जानते हैं क्या है पूरा मामला, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा सचिव दे जवाब। यानी कि हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है कि 69,000 जो भर्ती है उसे का पालन, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है अभी तक। बढ़ते हैं आगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, का आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। वैश्विक शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने के मामले में सचिव वैश्विक शिक्षा से जवाब तलब किया है। यानी जो कोर्ट से निर्णय हो गया, लेकिन जो वैश्विक शिक्षा अधिकारी होते हैं उन्होंने अभी इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया है और अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं। उसी में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब मामले में हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया। यानी जब कोर्ट से भर्ती पास हो गई, आदेश कर दिया कोर्ट ने, तो अभी तक इसका पालन क्यों नहीं हुआ। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पुष्पेंद्र सिंह की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो दोस्तों, ये जो आदेश है, ये एक है पुष्पेंद्र सिंह ने फिर से कोर्ट में अपना नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके वैश्विक शिक्षा अधिकारियों से इसका जवाब मांगा है। यानी पुष्पेंद्र सिंह ने इसे कोर्ट में फिर से इसका नोटिस दिया है। पढ़ते हैं आगे। मामले में हाई कोर्ट के एक आदेश के तहत याची को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में एक अंक जोड़ने का आदेश दिया गया था। यानी कि एक अंक और, ये नीचे वैकेंसी आई थी इसमें एक अंक और जोड़ा गया था। परीक्षा परिणाम में एक अंक जोड़ने से याची चयनित सूची में शामिल हो गया। यानी कि एक नंबर उसे मिल गया तो वो चयनित सूची में उसका नाम आ गया, लेकिन आज तक उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इसमें जो मेरिट गिरने के बाद जिनका नंबर आया है, अभी तक उनके लिए वैश्विक शिक्षक अधिकारियों ने अभी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, जिस पर याची ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। यानी कि जो पुष्पेंद्र हैं उन्होंने हाई कोर्ट में फिर से अपनी याचिका दाखिल कर दी है। कोर्ट ने मामले में सचिव को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी जो सचिव है, वैश्विक शिक्षा सचिव हैं, तो उनको 3 हफ्ते में जवाब मांगा है कोर्ट ने। तो दोस्तों, ये भर्ती आपकी जल्दी, इस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे इस वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।